एकदम स्ट्रेट सेंटर में हमें क्यों शूट कर रहा है भाई थोड़ा थोड़ा एक सेकंड हो गया है ना फ्रंट लो हाँ थोड़ा सा शिफ्ट बस 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 स्ट्रेट लो बस होल्ड आनंद यहाँ यहाँ सेंटर का है ना सेंटर है ना उसी में निकालिए बैग में है ना स्ट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ मैंने लास्ट आइटम तो खट्टा मीठा में किया था अक्षय कुमार के साथ जो बहुत सराहा गया मैंने पसंद किया ऑब्वियसली अक्षय कुमार के ऑपोजिट था तो और भी ज़बरदस्त था लेकिन मैंने बहुत टाइम तक कोई आइटम सॉन्ग नहीं किया था अपार्ट फ्रॉम साउथ फिल्म्स इन साउथ आई डिड अ सॉन्ग विद अजीत कुमार जो तमिल में सुपरस्टार है अजीत खला फिल्म का नाम था मंगला जो ब्लॉकबस्टर हुई थी उसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया था लेकिन हिंदी में नहीं किया था हिंदी में करने की रीज़न ये था कि पावनी पांडे ने गाया है जिनका लास्ट सॉन्ग अभी सुपर हिट हुआ है रही इस फिल्म में लैला में लैला सनी लियोनी ने जो किया था तो मुझे पावनी पांडे की आवाज़ बहुत पसंद आई थोड़ी एजी थी थोड़ी सी आजकल के यूथ को पसंद आती है और बहुत ही सुंदर तरीके से गाना फरमाया गया और मैं आइटम सॉन्ग्स करना नहीं चाहती थी बीच में क्योंकि मैं बहुत बिजी भी थी मैंने मलयालम फिल्म की मोहनलाल के साथ बीच में फिल्म का नाम है लैला ओ लैला जिसमें मैंने लैला का किरदार निभाया था और मलयालम फिल्म का करने के बाद बीच में तमिल फिल्म की अजीत के साथ और फिर मैंने पंजाबी फिल्म भी की फिल्म का नाम है फरार जो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसमें गिप्पी ग्रेवाल के अपोजिट थी जो पंजाब के सुपरस्टार हैं एंड देन आई डिड अ फिल्म विद ऋषि कपूर जी जो अभी बीच में रुकी हुई है उसकी आधी शूटिंग हो गई है फिल्म का नाम है आई बला को टालतू कॉमेडी फिल्म है जिसमें दिव्या दत्ता शिल्पा शुक्ला शेफाली शाह ऋषि जी राम कपूर काफ़ी अच्छे दिग्गज एक्टर्स हैं और उसमें भी बहुत अच्छा रोल है मेरा प्लस रामू के साथ जो मेरी दो फिल्में हैं वो रेडी हो चुकी हैं वो तो वही डिसाइड करेंगे कब रिलीज़ करना है एंड अभी मैं पंजाब में फिल्म की शूट फिनिश करके आई हूँ फिल्म का नाम है जग्गा जियोंदा है जिसमें दलजीत कलसी के साथ मैं फिल्म कर रही हूँ उसमें जैकी दा भी हैं और उसमें मैं पुलिस का किरदार निभा रही हूँ और काफ़ी अच्छा SHO का रोल है जो काफ़ी वायरल भी हो गया है फ़ोटो पूरे नेट पे इस टाइम व्हाट्सएप में लोगों को लग रहा है कि शायद मैं सचमुच की SHO हूँ तो काफ़ी जोक्स भी बन रहे हैं कि अगर ऐसी SHO होगी तो हम सब चोर होंगे और बार बार अरेस्ट होंगे और बार बार क्राइम करेंगे तो अभी तो फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ से वापस आई हूँ और आने के बाद ये पावनी पांडे का ये सॉन्ग टशनगी फिल्म के अंदर मैं शूट कर रही हूँ ऑलरेडी कल भी शूटिंग की आज भी सेट्स पर हैं और बहुत सुंदर सेट बनाया गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग एन आइटम सॉन्ग मैंने बहुत सोच समझ के गाना चूज़ किया क्योंकि मुझे मालूम था ये गाना सुपर हिट होगा और जब अक्षय के साथ आइला रे आइला किया था तब भी मालूम था गाना हिट ही होगा और ये नगद वाले बाय नगद वाले हाय उधार वाले बाय सो नगद बेसिकली नगद पैसा नगद वाले हाय एंड उधार वाले बाय तो इसमें क्या है ये बेसिकली पंच लाइन है और जो सुपर हिट होगी काफ़ी कैची लाइन और हाँ मज़ा आ रहा है दो दिन हो गए शूट चल रहा है कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बताइए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आप तो हाँ तो डिज़ाइनर ही बता पाएंगे जिन्होंने बनाया है काफ़ी खूबसूरत सनी लियोनी के सारे कॉस्ट्यूम्स वही बनाते हैं और कल तो मैंने गोल्डन कॉस्ट्यूम पहना था वो और भी सुंदर था अभी रेड है उसके बाद ब्लैक है मतलब टोटल कितने कॉस्ट्यूम्स देखने टोटल 3 कॉस्ट्यूम्स आई एम चेंजिंग एंड सेट बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने एंड आई थिंक द आर्ट डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन टीम एवरीवन इज़ ब्रिलियंट हियर बहुत ही कोऑपरेटिव है बहुत ही अच्छे हैं और फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है क्या होता है ना जिसके लिए अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो तो काम करना और ईजी हो जाता है तो डायरेक्टर जी यहीं खड़े हैं ईजियर ओनली अरे बहुत अच्छा सॉन्ग हुआ है मैडम बहुत अच्छा अच्छे से परफॉर्म किया है अभी कर भी रहे हैं और जैसा कि मैडम की फिल्में करने के बाद जो इनका जो कोऑपरेशन मिला ना इनका जो नेचर है ना बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंस तो कहना ही नहीं है काफ़ी बड़ा सेटअप इन्होंने बनाया है और समीर जी के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है
और पूरी टीम बहुत ही कोऑपरेटिव है और इन्होंने बहुत दिल से ये पूरा सेटअप बनाया एंड इट्स ह्यूज. लाइक जब मैंने ट्रेलर एंटर किया था तो भी वो सेटअप ह्यूज था फिल्म सिटी में प्रॉपर, जैसे यू नो लाइक बोट रखी थी और कोलीबाड़ी लुक था यू नो, क्योंकि फिल्म जैसे उसमें अक्षय ने प्रॉपर जैसे जो कॉस्ट्यूम जो ड्रेस पहना था उन्होंने गोल्फ कैप थी और उसमें बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर फिल्म थी तो उसमें अलग लुक था, उसमें कोलीबाड़ी लुक था, इसमें थोड़ा मॉडर्न है, थोड़ा वेस्टर्न भी है, थोड़ा इंडियन भी है. तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे लुक में नजर आऊँगी. मैं कन्विंस ऐसे हो गई क्योंकि एक तो पावनी पांडे ने गाया, मैंने आपको बोला, तो लैला लैला जो लैला में लैला गाना था सुपर हिट हुआ है और सनी लियोनी बहुत सुंदर दिखी है उसमें और उन्होंने गाया बहुत अच्छा था. तो कहीं ना कहीं मैं लक पर बहुत यकीन करती हूँ और पावनी पांडे का लक आई थिंक अभी बुलंदियों पर है तो आवाज़ गाने में भी सुनने लायक होगी और कहीं ना कहीं मैंने परफॉर्मेंस भी अच्छी थोड़ी बहुत करी दी है, बाकी आप ही लोग बता पाएंगे देख के. इसके अलावा फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा है तो अभी जो पद्मावती के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी रिलीज डेट जो है पीछे जा रही है, तो एज अ एक्टर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सी मैंने फिल्म देखी नहीं है और मुझे लगता नहीं मैं राइट इंसान हूँ कि मैं इस पर कोई भी टिप्पणी दूँ, मुझे हक नहीं बनता है, ना मैंने फिल्म देखी है ना मुझे इतना मालूम है कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं खुद अपनी फिल्म में बिजी थी. पिछले एक महीने से मैं बैक टू बैक पंजाब में शूट कर रही थी तो सुनने में आ रहा था न्यूज़ में कुछ ना कुछ पता चल रहा था लेकिन जब फिल्म देखी नहीं तो क्यों टिप्पणी दें. मुझे तो खुशी हो रही है, पहले तो मैं शॉक होती क्योंकि मुझे काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल CNN IBN 7 न्यूज़ 18 इससे कॉल्स आ रहे थे, अभी इंडिया टुडे वाले भी आने वाले हैं यहाँ पे तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका लुक वायरल हो गया SHO का और उसमें मैं हरलीन मान का रोल कर रही हूँ. तो जो मैंने एक सेल्फी डाली थी इंस्टाग्राम में वो लोगों ने वहाँ से निकाल के लोगों ने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दी कि पंजाब की न्यू SHO आई है हरलीन मान और हीरोइन को तो सभी लाइक करते हैं आज, एक लाइक हरलीन मान के लिए भी. तो लोगों को लगा शायद सचमुच की कोई SHO है और फिर लोगों ने कम जोक्स बनाने शुरू कर दिए कि अगर इतनी SHO होगी तो हम बार बार क्राइम करेंगे, बार बार अरेस्ट होंगे. तो पूरा मुझे कनाडा से, US से, दुबई से, खलीज टाइम्स तक से मुझे कॉल आ चुका है कि ये लुक मतलब आप ही हो. मैंने कहा मैं ही हूँ. तो मैंने बोला ये एक सिर्फ फिल्म का किरदार है, एक लुक है, मैं कोई की SHO नहीं हूँ और फिल्म में किरदार निभा रही हूँ. तो लेकिन हाँ वायरल हो गया लुक तो फिर काफ़ी न्यूज़ वाले कॉल कर रहे हैं, 3-4 दिन से मैं ये कॉल ही अटेंड कर रही हूँ. सी मैं हर साल मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं परफॉर्मेंस करके कुछ लक्ष्मी कमाऊं और न्यू ईयर काम करते करते बीत जाए, हर साल काम करते हुए न्यू ईयर जाता है. इस साल भी कुछ ऐसी प्लानिंग है, हो सकता है कुछ शो करूं किसी सिटी में तो लेट्स सी, होपफुली अबाउट टू क्रैक अ डील में भी समवेयर. और उससे पहले तो मेरा बर्थडे आ रहा है सो आल सेलिब्रेट दैट. राकेश एक मिनट में रुक जाना, एक मिनट छोड़ दिया निकाल दिया.
थ्रिलर फिल्म है जिसमें गाने अच्छे गाने हैं, बड़े सिंगरों ने गाया है, राहत फतेह अली खान, देव नेगी, पावनी पांडे, सुनिधि चौहान और ये सारे लोगों ने, मोहम्मद इरफान ने सैड सॉन्ग गाया हुआ है। तो और अभी आप लोग जैसा देखे कि कायनात अरोरा जी इस पर आइटम सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही हैं, तो मिला जुला के एक अच्छा मसाला फिल्म है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैसेज भी है। नहीं, कायनात जी को हमने देखा था खट्टा मीठा फिल्म में जो प्रियदर्शन जी की है अक्षय कुमार जी के साथ में, तो अच्छा लगा था। फिर वो लुक वाइज और हमारे कॉन्सेप्ट के हमारे गाने के हिसाब से अच्छा लग रहा था, तो हमने कहा कि ठीक है इनको कास्ट किया जाएगा। क्या प्लान है कब तक? फेब में हम लोगों का प्लान चल रहा है रिलीज करने के लिए, अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ बट फेब में ही करेंगे शायद। सर जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हमारा आइटम सॉन्ग शूट चल रहा है, तो इसका द म्यूजिक कंपोजर फॉर द होल मूवी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको पावनी जी ने गाया है, और आपने जिस तरीके से देखा कि कायनात जी ने बहुत अच्छी इसमें एक्ट किया है, और होप चाहते हैं कि पब्लिक इसको पसंद करेगी, ऑडियंस पसंद करेगी, बस यही दुआ है हमारी और हम पब्लिक का रिस्पांस चाहते हैं। किस मूड गाना है जी? ये हैप्पी मूड है पूरा एकदम। हाँ, फिल्म में देखिए एक जो गाना हमारा जो राज साहब ने गाया वो सूफी सलाम करके एक गाना है हमारा, जो कि बहुत ही मेलोडी सूफी है। एक नैना तेरे बाबरे जो गाना है हमारा, जो मंजर जी ने लिखा है, वो रोमांटिक बहुत ही रोमांटिक प्यारा सा सॉन्ग है। इसके अलावा एक सैड सॉन्ग भी है हमारे फिल्म में जो मोहम्मद इरफान ने गाया है, और एक हमारा जो है सेंसुअल सॉन्ग है जो देव नेगी और सुनिधि जी ने गाया हुआ है उसको, और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको इन लोगों ने गाया है और मैंने म्यूजिक देने की कोशिश की है फिल्म में। और मंजर जी जो हमारे फिल्म के जो स्टोरी राइटर हैं और राइटर हैं, और जो इस गाने में खास बात यह है कि इस गाने में मैं सबसे पहली बार एक बहुत ही छोटा सा जो रैपर है, जो कम उम्र का रैपर है बॉलीवुड के अंदर, मैं उसको लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि अभी मेरे साथ हैं। प्लीज़ जेपी आप आइए, ये जेपी जी हैं जिन्होंने अभी पावनी पांडे जो अभी आइटम सॉन्ग चल रहा है, ये हरियाणा के बहुत ही अच्छे अदाकार हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा रैप पार्ट जो रैप किया है गाने के अंदर बहुत खूबसूरत किया है। रे बंदी है तू होट आवे नियत में खोट, ऊपर से नीचे तक तेरी ओके रिपोर्ट, ये इंट्रो लाइन है हमारे गाने की। जो है वो इस फिल्म में वो अपने लेखनी के माध्यम से कहने की कोशिश की है, जो आपकी यूथ की आवाज़ आज जो हमारे समाज में हो रहा है, ख़ास करके ये हमारी स्टोरी जो है वो एक ऐसे ही आशिक पे है, और मेरे ख्याल से यूथ की फिल्म बहुत ज़्यादा थ्रिलर है, पूरी तरीके से थ्रिलर है, लव स्टोरी है, अच्छी लव स्टोरी है, और लोगों को बहुत पसंद आएगी। उसके अलावा जो मैंने गाने लिखे हैं, चूंकि स्टोरी राइटर मैं ही हूँ, तो मुझे सिचुएशन बहुत अच्छे से गानों की पता थी, मैंने जो है वो गानों के साथ मुझे लगता है कि इंसाफ किया, आप ऑडियंस देखिए क्या कहती है इसके बारे में। मैंने चार गाने लिखे हैं, मैंने लिखे हैं, एक मैंने सैड सॉन्ग लिखा है, एक आइटम सॉन्ग लिखा है जो चल रहा है, उसके अलावा सर मैंने एक रोमांटिक सॉन्ग लिखा है, और एक गाना जो है वो हमारा हॉट सॉन्ग टाइप का है, मतलब रोमांटिक वो भी है एक तरीके से कह सकते हैं आप।